नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या है? तक कोई भी लिक्विड, एसिड व बेस, हाँ, ये समझने के लिए क्या चाहिए? इंडिकेटर का जरूरत है. इंडिकेटर के द्वारा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस वो क्या है, एसिड है या बेस है. जैसे टेक सम रेड चाइना रोज फ्लावर, टेक द पेटल्स ग्रीन दोज टू मेक ए पेस्ट एंड कीप इट इन ए स्मॉल ग्लास. ग्लास में रखोगे चाइना रोज का जो पेटल है. तो पोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ल्यूकवार्म वाटर इन द ग्लास. पहले ल्यूकवार्म वाटर इसके अंदर रखोगे. लेट अस सी हाउ दिस सॉल्यूशन हेल्प अस डिटेक्ट एसिडिटी एंड बेसिसिटी. टेक हिबिस्कस पेटल जूस इनटू सेपरेट ग्लासेस. ऐड विनीगर इन वन ग्लास. विनीगर मतलब एसिड और लाइम वाटर मतलब चूना का जो वाटर है वो बेस. अनदर ग्लास. तो विनीगर तो एसिड है तो उस पेटल का कलर चेंज हो जाएगा. क्या? रेड से पिंक हो जाएगा. लाइम वाटर इज द बेसिक सब्सटेंस और लाइम वाटर में भी कलर चेंज हो जाएगा. जैसे ग्रीन कलर हो जाएगा, पिंक से ग्रीन. तो ऐसा जो कलर चेंज होगा उसे पता चलता है कि एसिडिटी कौन है और बेस क्या है. तो एसिडिटी में अलग सा कलर हो जाता है और बेस में अलग सा कलर हो जाता है. तो ये जो रिकॉग्नाइजिंग एसिड एंड बेस, तो इसे क्या बोलता है? इंडिकेटर. तो जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एसिड में जब डालोगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. और बेस में जो डालोगे तो रेड क्या होगा? ब्लू हो जाएगा. तो ऐसा लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है. तो कोई भी सॉल्यूशन एसिड व बेस है ये डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर चाहिए. एसिड जैसे क्या क्या है? जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. और बेस क्या है? जैसे लाइम वाटर, सोप, डिटर्जेंट, ये सब होते बेस, बेकिंग सोडा. तो अलग अलग सब्सटेंस एसिड में अलग कलर हो जाता है और बेस में भी अलग कलर हो जाता है. जैसे बीट रूट, टर्मेरिक, ब्लैकबेरी, सबका कलर चेंज हो जाता है एसिड में एंड बेस में. और तो द एसिडिटी ऑफ विनीगर सॉल्यूशन डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दैट इज एडेड टू इट. द रिएक्शन बाय व्हिच द एसिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ विनीगर सॉल्यूशन चेंजेस इज कॉमनली कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोलता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ विनीगर सॉल्यूशन चेंज हो जाता है. इसको बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्यूशन ऑफ सोप डिटर्जेंट जो क्या है? बेस है. उसमें रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और एसिड में क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा और वाटर में नो चेंज. तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है. तो प्रेलिमिनरी आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. और जो रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस के अंदर, इसे क्या बोलता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो वी हैव सीन हाउ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग एन इंडिकेटर.
बट ऑल आर एसिड्स और बेसिस सिमिलर, आर दे स्ट्रॉन्ग टू द सेम? ना, सब एसिड सिमिलर नहीं आए, कुछ एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्किन के ऊपर लगेगा तो जलन सा होता है, घाव हो जाता है, और कुछ है लाइट एसिड जिसमें कुछ हार्म नहीं होता है। और एसिड में दो पार्ट है, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, वी हैव व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला HCl इज एडेड टू वाटर। HCl क्या हो जाएगा? H+Cl-, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयल में डिवाइड हो जाता है। पहले ऑर्गेनिक एसिड होते जो ऑर्गेनिक ऑरिजिन, जैसे मैलिक एसिड जो एप्पल में है, टार्टारिक एसिड जो टैमरिन में है, हाँ फॉर्मिक एसिड, ये सब होते ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक क्या है? जैसे HCl, H2SO4, HNO3 जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, होते इनऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन है, व्हाट आर द आयन जेनरेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ HCl इन एक्वस सॉल्यूशन? इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोक्सियम आयन, अर्थात H2O उसके साथ और एक H ऐड हो जाता है, फिर H3O हो जाता है, H3O प्लस एंड क्लोरीन माइनस Cl-। अच्छा, कुछ एसिड का नेम एंड फॉर्मूला, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स प्रोड्यूस H+, एक्चुअली H3O+ इन एक्वस सॉल्यूशन। लाइम और सम अदर सिमिलर कंपाउंड प्रोड्यूस ऑक्साइड आयन OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम है वो जो डिवाइड हो जाता है Ca+2 एंड OH-, Ca+OH-। These compounds are known as alkalis. Neutralization reaction of acid and alkali produce salt and water. Acid और alkali जब reaction हो जाता है salt and water form होता है। जैसे NaCl+H2SO4 क्या होगा? Na2SO4+H2O, salt and water। जैसे NaOH+HCl क्या होगा? NaCl+H2O, एसिड और बेस जब रिएक्ट हो जाता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? जनरल एसिड का टेस्ट कैसा है? सावर, खट्टा, और बेस होच्चे एल्काली जो है तीता, बीटर टेस्ट। जैसे सोप साबुन एल्काली और बेस सेम ही है, तो एल्काली मतलब साबुन मुंह में चला जाएगा नहाते वक्त तो दिखोगे तीता कैसा टेस्ट लगेगा। हाँ, और एसिड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। लिटमस एक पेपर है, ब्लू कलर एसिड में रेड हो जाता है और बेस में रेड ब्लू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन और एल्काली प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। न्यूट्रलिटी, एसिडिक बेसिक, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। pH होच्चे
न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल सॉल्यूशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। तो वाटर में क्या है, 7, और ए सॉल्यूशन हैविंग ए पीएच लेस देन 7 में कम होगा तो एसिड, और ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा होगा तो बेस बायलकाली, बेसिक बायलकाली। तार माने 7 होच्छे न्यूट्रल वाटर, 7 से कम हो जाएगा पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन तो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। Because of the presence of several indicators in it, the pH paper takes up different color at different pH. ताले जैसे aqueous solution of vinegar, vinegar तो acid, ताले pH क्या होगा, 7 से कम, less than 7, soap 7 से ज़्यादा, greater than 7, अर्थात acid में less than 7, एल्काली बा बेस में ग्रेटर देन 7, और नॉर्मल जो वाटर है इक्वल टू 7। समझ में आया, ये होच्छे पीएच का वैल्यू, पावर ऑफ पीएच। एसिड बेस बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, म्यूरिएटिक एसिड जो टॉयलेट क्लीनिंग एसिड है, सोप साबुन, लेमन जूस, ड्रिंकिंग वाटर, कार्ड, लस्सी, लैक्टिक एसिड, फुचका वाटर, ये सब एसिड है, फुचका का जो पानी है, वाटर फ्रॉम कार बैटरी, ये सब होच्छे एसिड।